أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ونعم أجر العاملين. صدق الله العظيم. सूरह आले इमरान की आयत नंबर 134, 135 और 136 की तिलावत की गई। इन आयतों का तर्जमा यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो जन्नत बनाई है मुत्तकियों के लिए, मुत्तकी वो लोग हैं जो खुशहाली में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं और तंग दस्ती में भी अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं। दोनों हालत, गुस्से को पी जाते हैं, लोगों से दरगुजर करते हैं और अल्लाह भलाई करने वालों से मोहब्बत रखते हैं। आयत नंबर 135 का तर्जमा, और वो लोग के जब कोई गुनाह कर गुजरे या अपने हक में ज्यादती कर जाए तो अल्लाह को याद करें और अपने गुनाहों की माफी के तलबगार हों, और अल्लाह के सिवा है भी कौन जो गुनाहों को बख्शे। नीज जो गुनाह एक इंसान के इंसान होने की हैसियत से कर बैठते हैं और उस पर जानते बुझते इसरार नहीं करते, उन्हीं लोगों की जजा उनके परवरदिगार की जानिब से मगफिरत और ऐसी जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बहती होंगी। वो हमेशा हमेशा उसी में रहेंगे और अच्छे काम करने वालों का क्या ही खूब अज्र है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों के सामने अपने इरादे का इजहार फरमाया था, जबकि अभी इंसान को पैदा नहीं किया था, कि मैं एक ऐसी मखलूक पैदा करने वाला हूं। इंसानों से पहले इस दुनिया में जिन्नात थे, शैतान थे, उनका रहन सहन फरिश्तों ने देखा था। तो फरिश्तों ने अल्लाह ताला से क्या अर्ज किया कि अगर आप अपनी इबादत के वास्ते पैदा करना चाहते हैं मखलूक को, इंसान को, तो हम आपकी इबादत के लिए मौजूद हैं। फरिश्तों का काम क्या है? अल्लाह की इबादत करना। आप कैसे लोगों को पैदा करेंगे जो खून खराबा करेंगे, नाहक एक दूसरे पर जुल्म करेंगे, जमीन में फसाद मचाएंगे? हालांकि अभी इंसान पैदा नहीं हुआ था। सवाल ये होता है कि फरिश्तों को कैसे मालूम कि ये सब ऐसे काम करेंगे आने के बाद? मुफस्सिरीन ने जवाब दिया कि उन्होंने इंसानों को जिन्नात और शैतान पर कयास किया कि ये ऐसा करते हैं तो वो भी ऐसा ही करेंगे। जिन्नात और शैतान उस वक्त मौजूद थे इंसान से पहले, कहा ये ऐसा करते हैं तो जो इंसान आप बनाने वाले वो भी यही काम करेंगे, तो फिर ऐसी मखलूक पैदा करना। अल्लाह ताला ने कोई मशवरा मांगा नहीं था, अपने इरादे का इजहार किया था, और फरिश्तों ने अल्लाह ताला को कोई मशवरा दिया भी नहीं, उन्होंने अपने इजहार, अपने ख्यालात का इजहार फरमाया बस। उस वक्त अल्लाह ताला ने फरमाया था, इन्नी आलमु माला तालमु, मैं जो बनाने वाला हूं इंसान उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते। अब अल्लाह ताला जैसा इंसान चाहते हैं, जैसा दुनिया में इंसान अल्लाह चाहते हैं, जिसको अल्लाह ने अपना खलीफा और नाइब कहा है, कि आसमानों पर सब जगह हुकूमत मेरी लेकिन जमीन पर तुम मेरे नाइब, तो वह इंसान कैसे होने चाहिए? दूसरी जुबान में कहे कि आज के दौर में हम कहते हैं कि अल्लाह वाले, लेकिन कैसे होने चाहिए अल्लाह वाले?
कि जिसके पास हम जावे, उनसे बैत भी होवे, उनसे मशवरे भी करें, उनकी सिफतें क्या, कौन से गुण, अखलाक, आदतें उनके अंदर होनी चाहिए। इन आयतों के अंदर अल्लाह ताला ने वो सिफतें बयान की कि ऐसे बंदे मेरे को चाहिए, ऐसे मतलूब है, ये मेरे बंदे हैं। हमारे सामने दो तीन सिफतें आएगी, है बहुत आसान, हर आदमी अपने अंदर उसको पैदा कर सकता है। अगर ये सिफतें सुनने के बाद हमें लगे कि ये तो मेरे अंदर है, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें अल्लाह और आगे बढ़ाओ, तरक्की दे। और अगर नहीं है तो हम जैसे गुजराती जुबान में बोलते हैं जाग्या त्यार्थी सवार, आज से कोशिश करेंगे कि चलो ये चीजें हमारे अंदर आ जाए। ये चीजें आ गई, दुनिया वाले आपको अल्लाह का वली माने या ना माने, अल्लाह की लिस्ट में अपनी उसकी वलियों की लिस्ट में आपका नाम आ जाएगा। बस हम इंशाल्लाह जो सुनेंगे जो चीजें, दो तीन सिफत है बेहतरीन, और अगर उनको हम अपनाएंगे तो इंशाल्लाह जिंदगी आसान हो जाएगी, जिंदगी का हकीकी मजा नजर आए। दो तीन सिफत इन आयतों में जो अल्लाह ताला ने बयान फरमाई, पहली जो आयत करीमा मैंने पढ़ी आयत नंबर 134, उसमें अल्लाह ताला ने मुत्तकीन जिनके लिए जन्नत बनाई उनके कुछ औसाफ बयान किए। उसमें पहली बात अल्लाह ताला ने ये बयान फरमाई कि वो मेरे बंदे ऐसे हैं अल्लदीना युन्फिकूना फिस्सर्राई वद्दर्राई, कि वो मेरे बंदे हर हाल में मेरा दिया हुआ माल खर्च करते हैं, अच्छी पोजीशन हो या तंगी की पोजीशन। एक और मतलब कि खुशी का हाल हो या गमी का मौका हो, जब भी तकाजा आता है मेरे रास्ते में खर्च करते हैं। ये सिफत पहली है जो हमें अपने अंदर अपनानी है कि हालात कोई भी हो, सीजन चल रहा हो, दुकान बराबर चल रही हो, कारोबार बराबर चल रहा हो, तो भी अल्लाह के रास्ते में देना है, और कभी तंगी हो और तकाजा आए तब भी हमें जितना हो सके, कुशादगी है तो ज्यादा दे, तंगी है तो कम दे, लेकिन दे। यह धंधों नथिंग होता है तब देते थे, ये नहीं। कई जगहों पर अल्लाह ताला ने माल खर्च करने वालों की तारीफ बयान की, ये खर्च करना अल्लाह ताला को कितना पसंद होगा। कुरान शुरू करते हैं वलद दौलिन आमीन पर, उसके बाद सूरह बकरा शुरू होती है अलिफ लाम मीम दालिकल किताब ला रैब फी हुदल लिल मुत्तकीन, मुत्तकियों के लिए कुरान हिदायत है, तो मुत्तकी कौन, वहां भी बयान फरमाया अल्लज़ीना युमिनून बिल गैब, गैब पर ईमान लाते हैं, वयुकीमुनस्सला नमाज पढ़ते हैं, और आगे उसके बाद वाले आयत में वमिम्मा रज़क़नाहुम युन्फिकून, हमने जो दिया है उसमें से खर्च करते हैं। तो हर हाल में खर्च करना, खुशी हो यानी अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, जरूरतमंदों को देना, और सबसे पहले ये बात की फिक्र कि जिसका मुझ पर हक है उसको पहले दे। औलाद, बीवी, माँ बाप, भाई बहन, पड़ोसी, दूर के रिश्तेदार, करीब के रिश्तेदार, उनको पहले दे, हक वालों को पहले दे। तो खर्च करें, और तंगी के आलम में भी खर्च करें, जिसको हम आम तौर पर बोलते हैं खर्च करने को सदका। सदके के बेशुमार फायदे हैं। अच्छा, हम जो यूं ही अल्लाह के नाम पर दे देते हैं वो भी सदका कहलाता है, किताबों की जुबान में वो भी सदका है, उसको नफली सदका कहते हैं, और नफली सदके का ही दूसरा नाम है लिल्ला। तो आप देते रहे तंगी में, कुशादगी में, खुशी में, गमी में, बस अल्लाह के रास्ते में देते रहे। बल्कि दूसरी जगह तो बयान फरमाया अल्लाह ताला ने कि वल्लदीन फी अमवालिहिम हक्कुम मालूमुल लिस्साइल वल महरूम, कि मैं जिन बंदों को चाहता हूं कि ऐसे होने चाहिए, वो तो ऐसे हैं कि उन्होंने अपनी इनकम के अंदर एक हिस्सा नक्की कर रखा है कि भाई 10%, 20% या आधा या पौना या पाव मुझे देना ही देना, चाहे मुझे कितनी भी जरूरत। सदके के बेशुमार फायदे हैं, फजाइल सदका हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने लिखी है, हम तालीम भी करते हैं। एक बहुत बड़ा फायदा कि कल कयामत के दिन आदमी अपने सदके के साये में होगा, जितना दिया होगा उतना बड़ा उसका साया होगा, और हम जानते हैं कि उस दिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के अर्श के साये के अलावा कोई साया नहीं। ये कम फायदा है, यूं समझे सदका करने वाला कि मैं हश्र के मैदान में अपना महल तैयार कर रखा हूं, तैयार कर रहा हूं,
भाई हम सफर में जा रहे, दूर का सफर हो और बीच में कोई हमारा दोस्त है और बात हो गई कि ये टाइम पर हमारी ट्रेन वहां रुकेगी, दोस्त कहे कि आपको आपका तोशा मिल जाएगा, तो आदमी कितना बेफिक्र हो जाता है कि बीच में रास्ते में मेरा दोस्त आएगा, रिश्तेदार आएगा, मुझे देख, बस यहाँ सदका दे रहे हैं, समझो वहां हश्र का हम इंतजाम कर रहे हैं कि बाकी लोग तो परेशान होंगे, हम इतमिनान में। एक और फायदा जो हदीस में आता है कि सदका बुरी मौत से बचाता है, ईमान वाली बात, ईमान वाली मौत नसीब होगी सदके से, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, ये सिफत अपने अंदर है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह से दुआ करे और बढ़ावे, तरक्की दे इसके अंदर, और नहीं है तो अब हिम्मत करके अल्लाह के रास्ते में खर्च करें। जरूरी नहीं कि आप 1 करोड़ रुपए दे दे, 10 लाख रुपए दे दे, 1000 रुपए देंगे तो ही देने वाले। हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह तआला अन्हा ने एक मौके पर अंगूर का एक दाना सदका दिया, जैसे आपकी हैसियत है आप दे, आप देते रहे, बाकी देना चालू रखें। अंगूर का एक दाना, ग्रेप्स, द्राक्ष, एक एक से क्या होगा। और हुजूर ने फरमाया कि कोई भी किसी के सदके को कम ना समझे, चाहे बकरी का खुर वो भी हो तो उसको भी कम ना समझे। सहाबा किराम में बाज ऐसे थे कि उनके पास सदके के लिए कुछ होता नहीं था, बाजार जाते, मजदूरी करते और कुछ कमा कर लाते, वो सदका करते। अल्लाह ने उनकी तारीफ फरमाई, एक खजूर को भी आदमी, हुजूर ने फरमाया कि जहन्नम की आग को बुझाओ चाहे एक खजूर के जरिए ही क्यों ना, 1 रुपया भी आप किसी को देते हैं उस पर भी अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये भी आप अपनी आखिरत में जहन्नम की आग बुझा रहे हैं, मामूली नसीब। तो अल्लाह ताला अपने बंदों में जो सिफतें चाहते हैं उसमें पहली सिफत ये है कि मेरा बंदा हमेशा देने वाला बने। अच्छा, हमारी थिंकिंग और हमारी सोच क्या है कि गरीब यूं समझता है कि अपने तो लेने का, अपने तो गरीब कहते गरीब में आते हैं, अपने लेने का नहीं, ऐसी बात नहीं। गरीब है तो तू 10 रुपये दे, 5 रुपये देने की आदत डाल, 2 रुपये सदका कर, तो अपनी हैसियत से दे, मालदार अपनी हैसियत से देगा, लेकिन खर्च करो, ये आदत अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत पसंद है। तो पहला वस पहली सिफत हमें ये पैदा करनी है कि हम देने वाले बने अपनी हैसियत के हिसाब से, और इसी को बोलते हैं सखावत। और उसके बारे में एक दो हदीस है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखी जो होता है देने वाला, करीबु मिन अल्लाह, ये बंदा अल्लाह से करीब होता है, करीबु मिन अल जन्ना, जन्नत से करीब होता है, करीबु मिन अल नास, लोगों के दिलों में भी उसकी मोहब्बत होती है कि भाई फला बंदा बहुत अच्छा है, बईदु मिन अल नार, जहन्नम से दूर होता है, ये आदमी जहन्नम में नहीं जाएगा। पर बकील के बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बकील बईदु मिन अल्लाह, अल्लाह से दूर, अल्लाह को बकील पसंद नहीं है, बईदु मिन अल जन्ना, जब अल्लाह राजी नहीं तो जन्नत में कैसे जाएगा, जन्नत से दूर, बईदु मिन अल नास, लोग भी उसकी तरफ भी ध्यान नहीं दोगे, बहुत कंजूस आदमी है, 5 रुपए की चाय भी पिलावे ऐसा नहीं है, तो लोग भी उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे। और करीब मिन अन्नार, ये आदमी दोजख के करीब, बकील लोग दोजख में जाएंगे। एक और हदीस में है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सखावत असल में जन्नत में एक दरख्त है, उसकी टहनी दुनिया में झुकी हुई है, जो आदमी उस टहनी को पकड़ लेगा यानी सखी होगा, सखावत करेगा, वो टहनी उसको जन्नत में पहुंचा देगी, और बुखल दोजख में एक दरख्त है। हुजूर ने एक मिसाल समझाई, बाकायदा कोई दरख्त नहीं दुनिया में, एक मिसाल कि जो बुखल के रास्ते पर चलेगा गोया उसने एक बुखल वाली दरख्त की टहनी पकड़ी और वो दरख्त उसको पहुंचाएगा दोजख। बल्कि एक और हदीस में तो यूं है, रिवायत में खुलासे के तौर पर कह रहा हूं कि एक आदमी जाहिल है लेकिन सखी है, दीनदारी ज्यादा नहीं, और एक आदमी आबिद है, हदीस के अल्फाज है कि एक आदमी आबिद, इबादत गुजार, तहज्जुद गुजार, रोजे वगैरह सब, लेकिन बकील है, और एक आदमी ये सब चीजों से दूर है, यानी ज्यादा नफली रोजे नहीं रख सकता, नफली नमाजें नहीं पढ़ता, इशराक चास तहज्जुद की पाबंदी नहीं होती, लेकिन वो सखी है। तो अल्लाह ताला के नजदीक ये जाहिल जो इबादतों में पीछे है लेकिन सखी है, ये ज्यादा महबूब है अल्लाह ताला को उस इबादत गुजार से जो बकील है। इसलिए हमेशा आदमी अपनी कैटेगरी, अपनी हैसियत के हिसाब से देने वाले बने, सखी बने। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़े, सहाबा की जिंदगी पढ़े, तो इंशाल्लाह हमें भी शौक होगा। असल जरूरत है आखिरत में हमें क्या मिलेगा, भाव ढूंढे हदीसों को कि ये देने से क्या मिलेगा, तो शौक इंशाल्लाह बढ़ेगा। मौलाना इब्राहिम साहब देवला दामत बरकातुहु फरमाते हैं कि फजाइल को सुनो और पढ़ो,
क्या मिलेगा, तो इंशाल्लाह हमारा शौक भी बढ़ेगा। तो एक चीज जो अल्लाह ताला को चाहिए अपने बंदों के अंदर वो है सखावत। इंशाल्लाह हम इसकी कोशिश करेंगे। और माशाल्लाह यहाँ हमारे शहर में तो कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता, सब देने वाले, लेकिन गरीब भी अपनी हैसियत से देता रहे, सिर्फ आने दो आने दो, लेने वालों के लिस्ट में न रहे, अपने हिसाब से देता रहे। एक बात ये, और दूसरी बात कि देने में शुरुआत अपनों से करे, इसमें ज्यादा फजीलत है। जिसके जो हक है, बीवी, कुछ ऐसे भी वाकयात होते हैं कि माँ को पैसे चाहिए तो बहू को पूछ कर लेने पड़ते हैं, और बेटा यहाँ लोगों की शादियों में 50,000 दे रहा, 1,00,000 रुपए दे रहा, 10,00,000, क्योंकि वहां उसका नाम रोशन होगा, और माँ को लेने हो 100 रुपये 500 रुपये तो बहू से वाया करके लेने पड़ते हैं। ये नहीं, इसलिए कुरान ने दवील कुर्बा बार बार बयान फरमाया कि रिश्तेदारों को पहले, और उसमें डबल सवाब सदके का और सिला रहमी, भाइयों को दे, अपने भाइयों को, मोहब्बतें बढ़ेगी और डबल सवाब मिलेगा। एक चीज अल्लाह रब्बुल इज्जत को ये चाहिए। दूसरी एक चीज सिफत अल्लाह ताला ने आयत करीमा में बयान फरमाई, एक तो देते हैं, खर्च करते हैं, तंगी में, आसानी में, कुशादगी में, सब हालत में देते हैं। दूसरी चीज वल काज़िमीन अल ग़ैज़, गुस्से को पी जाने वाले बंदे अल्लाह ताला को चाहिए, ये वांटेड, ये चाहिए हमको, गुस्सा पी जा। अब बोलना आसान है मेरे लिए, आपके लिए सुनना आसान है, लेकिन ये जिगर गुर्दे की बात, इन नदालिक मिन आज़मिल उमूर, हिम्मत के कामों में से है कि आदमी गुस्से को पी जाए। गुस्सा न आवे ऐसा नहीं कहा, गुस्सा आवे और फिर आदमी पी जाए, और किसके वास्ते? अल्लाह के वास्ते। सबक सिखा दूंगा, ये एक मोमिन की शान नहीं, ऐसे बंदे अल्लाह को नहीं चाहिए, अल्लाह के वास्ते। ये बोल के चलो अल्लाह मुझे बदला देगा, बदला लेना है तो ये बोलो कि मैं क्या बदला दूंगा, वो लेगा, चलो अल्लाह के हवाले मामला कर दे। ये अल्लाह रब्बुल इज्जत चाहते हैं कि मेरे अंदर ये हो। अल्लाह वाले जो गुजरे वो भी हमारी तरह इंसान थे, खाते पीते थे, अनाज वगैरह। हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में एक वाकया लिखा है कि ट्रेन में सफर कर रहे थे, इत्तिफाक से उसी ट्रेन में उसी डिब्बे में आपके सामने वो आदमी भी बैठा था जो हजरत मदनी रहमतुल्लाह अलैह के खिलाफ गलत बातें अखबार में लिखता था। ये तो हिंदुओं के एजेंट है, क्योंकि आवाम जब इल्जाम लगाने बैठती है तो फिर कोई आगे पीछे सोचता बोचता, हिंदुओं के एजेंट है, मुसलमानों से अंदर से दुश्मनी रखते हैं, ये है वो है, लिखता था। अब ये दोनों ट्रेन में जमा हो गए, फिर इत्तिफाक से उस आदमी को पेशाब का तकाजा आया, वो आदमी अपनी जगह से उठकर टॉयलेट गया ट्रेन के अंदर। अब तहजीब हमारे मुल्क में तो हम जानते हैं टॉयलेट की क्या हालत होती है, वो गया तो उससे पहले कोई गया होगा तो उसका पाखाना ने सब बाहर पड़ा हुआ था, यानी एकदम ये आदमी गुस्से हो गया, नाक दबाया, दरवाजा बराबर जोर से बंद किया और वापस आकर बड़बड़ाने लगा कि कैसे लोग हैं, पेशाब पाखाने का तरीका भी नहीं आता है, और आकर बैठ गया। मौलाना हुसैन अहमद बद्री रहमतुल्लाह अलैह धीरे से, वो आदमी तो फिर अपने काम में मशगूल हो गया, ये हजरत वहां से उठे, हजरत को मालूम था कि मेरे खिलाफ लिखता है अखबार में और मेरे से दुश्मनी है वगैरह वगैरह, ये उठे और वहां टॉयलेट गए और वो जो पाखाना था उसको धोया, पूरा साफ किया, फिर लोटा भर के रखा, दरवाजा बराबर बंद किया, फिर वापस आए। वो आदमी को कुछ मालूम नहीं था, और आकर कहने लगे कि आप शायद पहले उठे थे पेशाब के वास्ते, कहा हाँ, कहा टॉयलेट तो साफ है, टॉयलेट तो साफ है बिल्कुल, ये नहीं कि मैंने साफ किया, बताया नहीं, क्या टॉयलेट बिल्कुल साफ है, आप जा सकते हैं, मैं भी अब वहां से आया। ये आदमी गया, पेशाब का तकाजा था, उसने देखा तो टॉयलेट बिल्कुल साफ धोया हुआ है और लोटा भी भर के रखा हुआ, पेशाब पाखाने से फारिग हुआ, बाहर निकला, वहां जो लोग बैठे थे उनसे पूछा कि ये कौन आया था, कोई कर्मचारी आया था ट्रेन का सफाई के लिए? कहा कि कोई कर्मचारी नहीं आए थे, वो दाढ़ी वाले बाबा बैठे हैं ना, उन्होंने साफ किया। अब इस आदमी को आइडिया आ गया कि ये हुसैन अहमद मदनी जिनके बारे में मैं अखबार में लिखता हूं कि हिंदुओं का एजेंट है, खुदगर्ज आदमी है, अब आया और हजरत के पैर पकड़ लिए, कहा कि पूरी जिंदगी आपके खिलाफ लिखता रहा, मैं दिल से माफी मांगता हूं। ये ऐसे लोग देखो, इसकी जरूरत मुझे भी है, आप सबको भी है। आदमी कोशिश कर बर्दाश्त करने की, घर गए, भूख लगी है, नमक ज्यादा हो गया, कम हो गया,
उसके साथ भी ये मामला करे, बच्चों से कुछ उल्टा सीधा हो। अदब अपनी जगह, सिखाना अपनी जगह, शरीयत ने जो सजाएं जायज रखी है वो अपनी जगह, लेकिन ये सब चीजें कैसे कि अचानक नहीं आ जाएगी, कोई सॉफ्टवेयर नहीं कि हमारे अंदर फिट कर दिया जाए और काम करता हो जाए, इसके लिए मेहनत पड़ती है। बुजुर्गों की खानकाहों में जब जाते हैं, बैठ होते हैं, उनकी खिदमत में रहते हैं, तो ये सब चीजें सिखाते हैं। हमारे अंदर से जो अनानियत है, ईगो, तकब्बुर, उसको दूर करवाते हैं, अपनी चप्पलें सीधी करवाते हैं, पेशाब पाखाने साफ करवाते हैं, और सब लेने के लिए बाजारों में बेचते हैं, पैर दबवाते हैं। ये इसीलिए होता है कि ये चीज हमारे अंदर आ जाए। तो गुस्से को पी जाना ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को बहुत ज्यादा पसंद है, और हुजूर ने इसकी बहुत सारी फजीलतें बयान फरमाई। रिवायत में आता है, हुजूर फरमाते हैं कि बहादुर आदमी वो नहीं है जो अपने सामने वाले को जिस पर वो गुस्से हुआ है पछाड़ दे, पहलवान वो नहीं, बल्कि पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त अपने ऊपर कंट्रोल रखे और अल्लाह वास्ते उसको माफ कर। ये सिफत हम अपने अंदर पैदा करें, अल्लाह ताला हर एक को अता फरमाए। एक और हदीस है, हदीस कुदसी, यानी अल्लाह खुद फरमा रहे हैं। क्या फरमाते हैं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, यबना आदम, के आदम के बेटे, उदकुरनी इदा गजिबत, गुस्से के वक्त मुझे याद रख ले, जब तू गुस्से में हो उस वक्त मुझे याद रखना। उदकुर का इदा गजिब तू, जब मैं गुस्से में हूंगा, तेरे से नाराज हूंगा, मैं उस वक्त तेरा ध्यान रख लूंगा। मैं किसी पर गुस्से हूं उस वक्त मैं अल्लाह को याद कर लूंगा, नहीं अल्लाह वास्ते मैंने माफ कर दिया। फिर आगे चलते मुझसे कोई ऐसा गलत काम हो जाए जिससे अल्लाह नाराज होता है, हश्र का मैदान हो, दुनिया भर के हमारे गुनाह हो, लेकिन उस वक्त अल्लाह ताला बोलते कि मैं तेरे को संभाल लूंगा। ये भी एक बहुत बड़ी फजीलत की चीज है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं, फला उहलिकु फीमन उहलिकु, मैं दूसरों को जब हलाक करूंगा तुझे बचा लूंगा, जब मैं गुस्से होऊंगा मैं तुझे संभाल लूंगा, तो अपने गुस्से के वक्त मेरे वास्ते माफ कर दे। ये भी बहुत बड़ी फजीलत है। इसी तरह एक और रिवायत है, हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी है। हजरत अबू हुरैरा ने जो नकल की है वो बुखारी की है, उसके अल्फाज ये हैं, लैस शदीद बिसुरआती, के ताकतवर और पहलवान वो नहीं है जो किसी को पछाड़ दे गिरा दे, इन्नम शदीद अल्लज़ी यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब, के पहलवान शरीयत की नजर में वो आदमी है, गुस्से में हो और अपना गुस्सा निकालने की ताकत भी हो, सामने वाले को अपने जेर कर सकता हो, उस वक्त अल्लाह वास्ते माफ कर दे। सामने वाला अपने से डबल हो और फिर कहे के जवा दे तो अल्लाह वास्ते, अब ये चाह कर भी कुछ नहीं कर सकता, इसकी बात नहीं है, गुस्सा निकालने पर कादिर है, उसके बावजूद अल्लाह वास्ते वो रुक रहा है, तो फिर वो पहलवान समझा जाएगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सहाबाए किराम आते थे, शुरू का दौर था, हुजूर लोगों के दरमियान रहे हैं, लोगों से वाकिफ थे, किसमें क्या बीमारी है हुजूर को मालूम होता था। हुजूर को मैंने आगे भी कहा था कि एक है बाहर से जो उलमा आते हैं बयान करते हैं, वो लोगों से वाकिफ नहीं होते, उनसे तो हर एक मिलता है, दुआ सलाम होती है, तो वो तो जाते जाते बोलते जाते यारा बड़ा प्यारा बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के जो उलमा है यहाँ के, वो आपको जानते हैं, आपका अपने माँ बाप के साथ क्या ताल्लुक है वो भी जानते हैं, आपके अपनी बीवी से कितनी बनती नहीं बनती वो भी जानते हैं, भाइयों से क्या हुआ है वो भी उनको मालूम होता है, तो लोग इनसे जरा दूर रहते हैं। वो जो हजरत आते वो तो बेचारे उनको क्या मालूम। कारी सिद्दीक अहमद बानवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था, मैंने बार बार इसको रिपीट करता हूं, कि मकामी उलमा फैमिली डॉक्टर की तरह है। फैमिली डॉक्टर को मालूम होता है कि इसको शुगर है, इसको प्रेशर है, इसको इतनी दवा चलेगी, इतना डोज चलेगा, इतना इतना। बाहर वाले डॉक्टर के पास जाओगे तो वो तो आपसे पूछेगा क्या हुआ क्या तकलीफ, फैमिली डॉक्टर है हम लोग यहाँ, समझाती हूँ। खैर, तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैमिली डॉक्टर थे सहाबा किराम के लिए, तो एक आदमी आया, हुजूर मुझे कोई ऐसी बात समझाओ जिससे मुझे दुनिया आखिरत में फायदा हो, कुछ नसीहत कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तगज़ब, मेरी नसीहत ही है कि गुस्से मत होना, बस एकदम शॉर्ट एक लफ्ज के अंदर, ला तगज़ब, गुस्से मत होना। उस आदमी ने कहा, उस सोचा कि ये तो नॉर्मल चीज है यार, कोई अच्छी बात, हुजूर कुछ और नसीहत फरमाए। हुजूर ने फरमाया, ला तगज़ब, फिर से वही जवाब, गुस्से मत होना। वो कोई अनोखी चीज के लिए आए होंगे। तीसरी बार पूछा, हुजूर कोई नसीहत? हुजूर ने फरमाया, ला तगज़ब, गुस्से मत होना।
उसने जितनी मरतबा पूछा हुजूर ने उतनी मरतबा फरमाया ला तग़ज़ब गुस्से में, क्योंकि हुजूर को मालूम था कि इस आदमी में गुस्सा ज्यादा है, उसके लिए वही नसीब। किसी के बारे में हुजूर को मालूम होता कि इनकी माँ को खिदमत की जरूरत है, वो आते हैं, हुजूर मुझे जिहाद में जाना है, कहा माँ जिंदा है, हाँ उनकी खिदमत करो, हुजूर को मालूम था कि इनकी माँ को इनकी जरूरत है, हुजूर हकीम थे। तो कहने का मतलब इसमें भी गुस्से के बारे में हुजूर ने हर मर्तबा सवाल के जवाब में यही फरमाया, गुस्से मत होना, गुस्से मत होना, गुस्से मत होना। खैर, हजरत अबू दर्द गिफारी रदी अल्लाह तआला के बारे में आता है कि एक जमात आई उनके कबीले में उनके पास, और उन्होंने आपस में मशवरा किया कि ये सहाबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहे हैं, तो चलो इनको चेक करते हैं, इनमें कितना है खजाना, हुजूर के कितना असर इनके अंदर आया। तो फिर उन्होंने मशवरा किया, तो हम उनसे ऐसा सुलूक करें, ऐसी बातें करें कि गुस्से में उनके बाल खड़े हो जाए, ऐसा गुस्सा उनको दिलाए, फिर देखते हैं कि गुस्सा आता है कि नहीं आता है। आए उन्होंने और फिर बातों बातों में बहुत परेशान किया, बहुत परेशान किया। तो हजरत अबू दर्द गिफारी रजी अल्लाह तआला अन्हु खड़े खड़े बात सुन रहे थे, उनको गुस्सा है, तो बैठ गए जमीन, उन्होंने बातें चालू रखी तो ये जमीन पर लेट गए, फिर बातें चालू रखी तो हजरत अबू दर्द गिफारी वुजू करने चले गए, लेकिन गुस्से नहीं हुए। लोगों ने पूछा कि आप खड़े थे, बैठ गए, लेट गए, वुजू किया, तो क्या हुजूर ने फरमाया जब आदमी गुस्से में हो तो गुस्सा शैतानी असर है, उन्होंने फरमाया खड़ा होता आदमी बैठ जा, बैठेगा तो मिट्टी और जमीन के साथ ज्यादा उसकी निस्बत रहेगी, और जमीन और मिट्टी के अंदर झुकने की सिफत है, तवाजू, उसका असर आएगा, और बैठा हो और गुस्सा आवे तो लेट जाओ। और हदीस में यह भी है कि वुजू कर ले आदमी, क्योंकि गुस्सा शैतान के असर से है, शैतान आग से बना है और पानी आग को बुझा देता है, तो वुजू कर ले। ये तरीका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया। तो अल्लाह ताला को ऐसे लोग चाहिए जो गुस्से को बर्दाश्त करें। हुजूर की तो पूरी जिंदगी इससे भरी पड़ी। एक मरतबा सफर से वापसी के वक्त हुजूर के साथ चंद सहाबा किराम भी थे, गर्मी का मौसम था, मैदान में आराम के लिए कैलूला दोपहर के ठहरे, हुजूर एक दरख्त के नीचे लेटे हुए थे और आपने अपनी तलवार टहनी के साथ लटका दी, बाकी सहाबा दरख्त के छांव में दूर दूर थे, हुजूर के पास कोई नहीं था। एक दुश्मन आया और हुजूर की तलवार ले ली और निकाली म्यान में से, और फिर हुजूर को उठाया कि मोहम्मद उठो बताओ कौन बचाएगा मुझे तुमसे। हुजूर बिल्कुल इत्मीनान के साथ, अल्लाह बचाएगा, बिल्कुल इत्मीनान के साथ, अपने वो तो पैर पकड़ लेगा, हुजूर ने बिल्कुल इत्मीनान से। अब जैसे अल्लाह का लफ्ज निकला हुजूर की जुबान से, वो आदमी के हाथ में कपकपी तारी हो गई और तलवार गिर गई। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तलवार ले ली, वो सहाबा दूर से देख भी रहे थे, वो सब भी जमा हो गए। हुजूर ने तलवार लेकर कहा तू बता तुझे कौन बचाएगा, इधर मैं हूं, ये सब मेरे सहाबा ने तुझे घेर लिया, बता। कहा कि मुझे तो आप ही बचा सकते हैं। अब हुजूर यहां गुस्सा निकालने पर 100% कादिर थे, आप चाहते उसकी गर्दन मार सकते कि तू मुझे डरा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ मैंने तुझे माफ कर दिया। तो आदमी गुस्सा निकालने पर कादिर हो उसके बावजूद गुस्सा ना निकाले, सामने वाले को माफ कर दे, ये उसका कमाल है और अल्लाह ताला को ये चाहिए। अल्लाह ने कुरान में कई जगह बयान फरमाया माफ कर दो ये मुझे बहुत पसंद, इसके बदले में हमें क्या मिलेगा, अल्लाह जन्नत देगा, अल्लाह वहां हमें बदला देगा। तो आखिरत के हवाले करके हम गुस्सा बंद करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर यहूदियों ने जादू भी किया, जादू करने वाले का नाम भी बता दिया गया हुजूर, लेकिन हुजूर ने उससे भी बदला नहीं लिया है। इसी तरह आपको जहर भी दिया गया खाने के साथ, उसका असर आखिरी टाइम तक रहा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका कोई बदला नहीं लिया। तो ये हमारे लिए बहुत कीमती चीज है कि हम गुस्से को पी जाए। तो दो चीजें हुई, सखावत हर हाल में, दूसरी सिफत जो अल्लाह को चाहिए गुस्से को पी जाना। अच्छा, तीसरी चीज चाहिए कि पी तो जावे, चलो छोड़ दिया, लेकिन भी पूरी जिंदगी उससे दुश्मन ताल्लुक कता कर दे, ये भी नहीं। वला आफी नानी नास, लोगों को माफ भी कर, चलो ठीक है भाई इंसान है, तुम भी शैतान से या नफ्स के धोखे में आकर तुमसे ऐसा हो गया, जब मैंने माफ कर दिया। अल्लाह ताला को ये भी चाहिए, वल आफीना अनी नास, लोगों को दर गुजर कर दे। एक हदीस है
मुस्तदरक के हाकिम की, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जिसको ये बात पसंद हो कि कियामत में मेरा मकान बुलंद हो, ऊंचे दर्जे की जन्नत मिले, इसी तरह मेरे दर्जात बुलंद हो, अल्लाह के नजदीक मेरा वैल्यू ज्यादा हो, तो क्या कहते हैं हुजूर कि अगर उसके साथ कोई ज्यादती करे तो जिसने ज्यादती की उसको ये आदमी माफ कर दे, चलो भाई मैंने तुमको माफ कर दिया, और जिसने उसको महरूम किया नहीं दिया ये उसको दे रहे, सामने वाला बंद कर रहा है ये दरवाजा खुला रख, सामने वाला जैसा रेवे वैसे हम रेवे, ये कोई कमाल नहीं कि भाई वो अपने घर पे शादी पे बुलाएगा तो हम बुलाएंगे, वो नहीं बुलाएगा तो हम नहीं बुलाएंगे, इसमें कोई कमाल नहीं है, ये तुर्की बतुर्की मसला है, वो नहीं बुलाएगा तो भी हम बुलाएंगे, ये कमाल है, वो हमारे यहां मौत मैयत में नहीं आएगा तो भी हम तो जाएंगे, ये कमाल है। सी मन कताक, हुजूर फरमाते हैं जो तुमसे रिश्ता तोड़े तुम उससे जोड़ो, वाफो अमन जलमत जो तुम पर जुल्म करो उसको दरगुजर कर, और जो तुमसे रोक ले तुम उनके साथ सिला रहमी चालू रख, ये एक चीज हमसे चाही जाती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत हम मुझे और आप सबको भी अता फरमाए, और लोगों को जो माफ कर देंगे उनके बारे में एक रिवायत ये भी है, तफसीर इब्ने कसीर के अंदर रिवायत नकल की गई है कि कयामत के दिन एक आवाज देने वाला आवाज देगा कि वो लोग जिन्होंने दुनिया में लोगों का जुल्म सहा बर्दाश्त किया और जुल्म करने वाले को माफ कर दिया, वो खड़े हो जाओ और अपने अल्लाह के दरबार में चले जाओ, अपने रब के दरबार में जाओ, तुमको जन्नत में जाना है, ये कितना बड़ा एहसास होगा, नाम लेकर ऐलान होगा और कहां जाएंगे अल्लाह के दरबार में, और अपना अपना अजर व सवाब अल्लाह ताला से हासिल कर ले, अल्लाह ताला फरिश्ते ऐलान करेंगे, इससे बढ़कर आदमी को क्या चाहिए कि अल्लाह के दरबार में अल्लाह ताला जन्नत में हाजिरी दे दे और हमारे गुनाह माफ हो जाए, आदमी के अंदर हर एक के अंदर नुक्स तो होता ही है, बुराइयां होती है, लेकिन यही मेहनत हमें मरते दम तक अपने नफ्स पर करनी है कि ये सिफतें हमारे अंदर आ जाए। सिद्दीक अकबर की बेटी माँ आयशा, हुजूर की चहीती बीवी, उम्मत की माँ, और उसके ऊपर इल्जाम लगा जीनाकारी का इल्जाम, लगाने वाले मुनाफिक, लेकिन इस इल्जाम लगाने में और चर्चा करने में तीन पक्के सहाबी भी शामिल हो गए अनजाने में, जब एक चर्चा होता है तो सीधे सीधे आदमी भी सीधे साधे आदमी भी उसके अंदर शरीक हो जाते हैं, तीन सहाबा, और तीन में एक तो ऐसे थे जिनके घर का खर्चा सिद्दीक अकबर दे रहे थे, इन्हें जो आदमी खर्चा दे रहा है उसकी भी उसकी औलाद पर उसकी बेटी पर इल्जाम लगा, और जो पूरी जिंदगी उसका खा रहा है वो चर्चे में हिस्सा ले रहा है, ऐसा हुआ होगा, हो सकता है, सिद्दीक अकबर को फिर बुरा लगा, उनके सीने में भी तो दिल था इंसान वाला, उन्होंने कसम खाई कि अब मिस्ताह को नहीं दूंगा, एक रुपया नहीं दूंगा, अल्लाह ताला ने कुरान में आयत उतारी सूरह नूर पारा नंबर 18 में कि क्या तुम नहीं चाहते कि मैं तुमको माफ कर दूं, तो कहा क्यों नहीं, कहा कि अगर तुम मुझसे माफी चाहते हो तो मेरे बंदों को तुम माफ करो, सिद्दीक अकबर उसके पास गए मिस्ता इब्ने सलूल के पास, कहा कि जो देता था वो भी दूंगा बल्कि अब से डबल दूंगा, क्योंकि मुझे तो अल्लाह ताला से माफी चाहिए और बदला अल्लाह ताला देंगे, ये जिगर गुर्दे की बातें हैं जो उनको अल्लाह ताला ने दी थी, हम भी अपने अंदर पैदा कर सकते हैं। आज भी ऐसे गए गुजरा दौर जो चल रहा है, हम जिसको कह रहे गए गुजरा, उसमें भी कई माँ बाप ऐसे हैं कि औलाद 20-20, 30-30 सालों तक नाफरमानी करती है, दिल दुखाती है, लेकिन फिर जब अल्लाह ताला औलाद को एहसास दिलाता है और बच्चे आकर दो आंसू बहाते हैं तो माँ बाप माफ कर देते हैं, तो उसको पकड़ कर बैठ नहीं रहते। कई औरतें आज भी ऐसी है हमारे समाज और मुआशरे में कि शोहर पिंडक है, शराब पीता है, जुआ खेलता है, कमाता नहीं है, मारजूर करता है, कई सालों तक जुल्म करता है, फिर बीमार पड़ा तो बीवी से माफी मांगता है, वो औरतें माफ कर देती, 20-20, 40-40 सालों का जुल्म माफ कर देती। ये लोग तहज्जुद गुजार इशराक चाश्त पढ़ने वालों से आगे होंगे कल कयामत के, ये अल्लाह ताला को चाहिए, हम भी अपने अंदर इन चीजों को, और ये चीजें अल्लाह से मांगने की है, कारोबार में हम बरकत मांगते ये भी मांगे कि अल्लाह गुस्से पर कंट्रोल नसीब फरमा, एक दूसरे के लिए भी मांगे, ये दुआ ज्यादा कबूल होगी, गायबाना जब एक मुसलमान भाई अपने दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो वो दुआ ज्यादा कबूल होती, जल्दी कबूल होती, तुम सब मेरे लिए मांगो मैं आपके लिए मांगू, अल्लाह ताला ये सिफतें हमें अता फरमाए, तो पहला था सखावत हर हाल में अपनी हैसियत के हिसाब से, दूसरा था गुस्से को पी जाना
तीसरा था सामने वाला कुछ उल्टा सुलटा करता है तो भी हम उनको माफ कर देने वाले बने, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहिए। और एक चीज आखिर में आयत नंबर 135 या 36 उसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वल्लदीन इदा फारू फाहिशतन, मेरे नेक बंदे ऐसे हैं कि इंसान होने के नाते कभी उनसे गुनाह हो जाता है, गुनाह तो सबसे हो जाते हैं, गुनाह हो जाता है, औ ज़लमु अनफुसहुम या अपने ऊपर जुल्म कर लेते हैं कोई नामुनासिब काम करके, ज़िक्रुल्लाह फौरन अल्लाह को याद करते, फस्तगफरू लिदुनूबिहिम और अपने गुनाहों से अल्लाह गुनाहों की माफी मांगते हैं अल्लाह ताला से, अल्लाह ताला फरमाते हैं वमन यगफिरुद्दुनूबा इल्लल्लाह, चलो तुम बताओ मेरे सिवा गुनाहों को माफ करने वाला कौन है। तो गुनाह हो जावे ये तो हो सकता है, उसके बाद आदमी का काम है फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाता। हदीस में आता है गुनाह हो गया किसी से, अच्छी तरह वुजू किया, बिल्कुल इखलास के साथ दो रकात सलातु तौबा पढ़े और अल्लाह ताला से रो धोकर दुआ करे, अल्लाह ताला माफ कर देगा। एक हदीस में आता है हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, इन रजुलन अज़नब ज़म्ब, कि एक अल्लाह के बंदे से गुनाह हो गया, गुनाह हो जाने के बाद उसको अफसोस हुआ, उसने अल्लाह ताला से बात की, दुआ की, क्या की, रब्बी इन्नी अज़नबतु ज़म्बन, कि अल्लाह मुझसे तो गुनाह हो गया, फग़फिर हो तू माफ कर दे। तो अल्लाह ताला फरिश्तों से कहते कि देखो इसको इतना तो मालूम है कि मेरा कोई रब है और वही गुनाहों को माफ करता है, देखो इसने मुझे पुकारा तुम गवाह रहना मैंने उसको माफ कर दिया। फिर उसी बंदे से उसमें फरमाते कि फिर गुनाह हो जाता है। अरे शरीयत में क्या मजा है, हुसैन ने क्या फरमाया, कुल्लू बनी आदम खताउन, हर इंसान खताकार, ये खताउन का जो लफ्ज है ना मुबालगे के लिए यानी बहुत ज्यादा खताकार। आगे हुसैन फरमाते व खैरुल खताई अत्तवाबून, के जैसे गुनाह होते जावे बाद में तोबा करते जाओ कर, वो अलग बात है, वो नहीं कि चलो अब तो अभी सुना तोबा बाद में करनी कि तो अभी गुनाह करो, गुनाह हो जावे उसकी बात, शैतान ने ऐसा उसको फंसा दिया, नफ्स ने ऐसा उसको भड़का दिया, गुनाह हो गया, एक एक गुनाह हो जाना, एक एक गुनाह करना जुरात वाली बात नहीं है, गलती वाली बात। तो उसे फरमाते कि तुम में बेहतर खताकार वो है जो बहुत ज्यादा तौबा करने वाला। और एक रिवायत में है कि अगर तुम गुनाह नहीं करोगे, बहुत मजेदार रिवायत खुलासा, अगर तुम गुनाह नहीं करोगे तो अल्लाह तुमको मार देगा, खत्म कर देगा, और दूसरी कौम पैदा करेगी जो गुनाह करेगी फिर अल्लाह से तौबा करेगी, अल्लाह उनको माफ कर देगा। क्योंकि अगर गुनाह ना होते तो फिर अल्लाह की गफ्फारियत वाली सिफत जो है, गफ्फार बहुत ज्यादा माफ करने वाला, वो जाहिर कब होगी। तो गुनाह लाजिम, गुनाह होंगे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उसके बाद या रब्बी अज़नबतु ज़म्बन, कि अल्लाह नफ्स ने बहकाया, शैतान ने भड़काया, मुझसे गुनाह हो गया। फिर गुनाह हुआ, फिर उसने अल्लाह को पुकारा, क्या अल्लाह फिर आ गया, अल्लाह ताला फिर फरिश्तों से कहते हैं देखो आया, इसको इतना तो मालूम है कि मैंने जो किया गलत किया, मेरा एक रब है वो पकड़ भी करता है माफ भी करता है, देखो आया ना तुम गवाह है ना माफ। हुजूर ने फरमाया तीसरी बार भी फरमाया तो फिर गुनाह हुआ, फिर आया, फिर अल्लाह ने कहा कि जा मैंने उसको माफ। तो गुनाह जब भी हो जाए अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाए, लेकिन ऐसी बात नहीं है कि फिर तौबा की उम्मीद पर गुनाह करते रहे, मौल साहब की दो कि गुनाह थया करे आपने तौबा थया कर, वो नमाज के बाद तौबा 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 दो तीन बार यूं करके भाग जाते, ये तौबा नहीं। तौबा की शराइत क्या है, तीन शर्तें तौबा किसको कहते हैं, सबसे पहले जो गुनाह हुआ उसको स्टॉप, वहीं से बदनजरी का गुनाह हुआ आप देखते जा रहा है और हाथ में तो तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, इधर औरतों को देख रहा है तो अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये तौबा नहीं चले, ये तो धोखा है, पहले वो गुनाह बंद। दूसरी बात, दूसरी शर्त तौबा कबूल होने के लिए कि जो हो गया उस पर अफसोस होना चाहिए। अजय थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब में मैं पढ़ा था कि हमने सच्ची तौबा की है दुबली या डुप्लीकेट की है, वो भी आदमी चेक कर सकता है कैसे, कि अल्लाह नहीं कर मानो किसी से जिनाकारी हो गई थी, गलत काम हुआ, उसने तौबा की, फिर सालों बाद उसको वो याद आया यार उस वक्त अगर उसको मजा आ रहा है जिनाकारी का दिमाग में, तो समझो उसकी तौबा झूठी थी। गुनाह हुआ जिनाकारी का, उसने तौबा की, सालों बाद उसको याद आया तो उसको एकदम अच्छा लगा, समझो तौबा झूठी थी उसका, उस वक्त भी उसको नहीं यार बहुत गलत काम हुआ।
जब भी याद आवे बहुत गलत काम हुआ था, ये सच्ची तो बात। तो जो गुना हुआ उसको स्टॉप, और जो हो गया उस पर शर्मिंदगी, और तीसरा आगे न करने का पक्का इरादा, इंशाल्लाह नहीं करूंगा। ऐसा शराबी लोगों के साथ, जुआरियों के साथ ऐसी चीजें होती रहती, बेचारे इरादा करते हैं, 15 साहबान को मस्जिद में आ गए, रमजान में शुरू में आ गए, सोचते भी हैं, फिर वो आदत है सालों की, तो एक दो दिन में तो चली जाती नहीं, उसके पीछे लगना पड़ता है, माहौल में आना पड़ता है, तो बेचारे के 2-3 दिन के बाद फिर जब गुनाह हो जाता है, फिर मस्जिद भी छोड़ देते हैं और लोगों से भी दूर हो जाते हैं, यार आप लोग वो गुनेगार, आप गुनाह हो गए, कि शैतान उनको भड़काता है, रब बैठा है गुनाह माफ करने वाला, तुम पक्का इरादा लेकर आओ। तो ये एक चीज है कि गुनाह और गलत काम हो जावे उसके बाद फौरन अल्लाह को याद करें। तो ये 4-5 सिफतें, सखावत हर हाल में, गुस्से को पी जाना, लोगों को माफ कर देना, और कभी बशरी तकाजे की बुनियाद पर या शैतान के बहकाने पर गुना हो जाए तो फौरन अल्लाह के दरबार में हाजिर हो जाना, माफी मांग लेना, तौबा कर लेना, ऐसे बंदे अल्लाह रब्बुल इज्जत को चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तमाम सिफतें हम सबको कामिल तौर पर अता फरमाए।